सब्सक्राइब कीजिए बंशीलाल पालीवाल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं फोटोशॉप पर किस तरीके से हम लोग एकदम सफ़ेद बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली हमें परेशानी वहाँ पर आती है कि जब भी हम फोटो को काटते हैं तो जो हेयर कट जो होता है वो प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। अब सफ़ेद बैकग्राउंड का फोटोग्राफ कई जगह पे लगता है। आप देखिए, पासपोर्ट ऑफिस में अगर कोई जाते हैं तो वहाँ पर आपको वाइट बैकग्राउंड मांगते हैं। तो इस प्रकार से सफ़ेद बैकग्राउंड की डिमांड यहाँ पर हमारे यहाँ पर ज़्यादा रहती है। फोटोग्राफी में जब भी हम वाइट पे खींचेंगे तो वो थोड़ा का हमें ग्रे दिखेगा, क्योंकि उस वाइट को हम लोग इतना कंट्रास्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका एक सिद्धांत है कि वाइट को प्रॉपर वाइट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और जब हम लोग उस फोटो को काटते हैं तो उस समय हेयर कट हो जाते हैं हमारे, तो वो हमें फोटो में फिर अजीबोगरीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम इस छोटे से ट्यूटोरियल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बिना किसी छेड़खानी के बहुत ही जल्दी तुरंत फटाफट हम लोग किस प्रकार से हमारे बैकग्राउंड को जो ग्रे दिखाई देता है उसको काट के और हेयर कट करते हुए हम लोग फटाफट से उस पर वाइट बैकग्राउंड बना देते हैं। तो चलते हैं, मेरा सिस्टम पीछे चालू हो चुका है और उस पर हम चलते हैं अब और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सफ़ेद बैकग्राउंड को प्रॉपर ढंग से बालों की डिटेल सहित हम लोग उसको बना सकते हैं, पासपोर्ट साइज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अब हम आ चुके हैं मेरे सिस्टम के ऊपर और हम यहाँ पर, ये मेरी फैमिली के कुछ फोटोग्राफी हैं तो मैं इनको किसी एक का चयन कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग जल्दी से इस फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। हम लोग आ चुके हैं सीधे फोटोशॉप के अंदर। तो फोटोशॉप में हम लोग सबसे पहले जो करेंगे, ये मैंने पेंसिल टूल लिया, यहाँ पर आपको जो एक टूल दिखाई दे रहा है इसको हमें सेलेक्ट करना है। हमें क्विक सेलेक्शन टूल को चयन करना है यहाँ से। तो इस टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये हमारे पास में फोटोग्राफ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको कंट्रोल के साथ में मैं जे दबा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर एक, जहाँ मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक लेयर और क्रिएट हो जाती है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ये यहाँ से हमने एक वन लेयर और ले ली है। तो इस प्रकार से हमने इस फोटो को ले लिया है। अब आप, और ये टूल हमने यहाँ से क्विक सेलेक्शन टूल हमने ले लिया है। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये प्लस है, तो हम लोग चाहें तो नॉर्मल से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्रश बड़ा ले लिया है और ये जितना भी हेयर का जो आपको दिख रहा है इसका मैं, इस माउस को मैं घुमा रहा हूँ और इससे हम इस फोटो का सिलेक्शन थोड़ा सा आराम से धीरे से कर लें, क्योंकि अगर मैं इसको सफ़ेद रंग पे, जो हमें थोड़ा हल्का ग्रे दिखाई दे रहा है, उस पर अगर ले जाऊँगा तो ये प्रॉपर कट नहीं होगा। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इस प्रकार से इस फोटो का सिलेक्शन यहाँ से और इधर से भी हम लोग इसको, आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ़ोटो का सिलेक्शन हो रहा है धीरे धीरे। हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, वैसे ये भाग कट में जाएगा लेकिन अगर यहाँ से ये सिलेक्शन गलत हो गया तो हम इसको ये माइनस वाला यहाँ से उठा लेते हैं। आप देख रहे होंगे मेरा जहाँ माउस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम माइनस वाला ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से माइनस कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हल्का सा आपको माइनस थोड़ा करना पड़ेगा, ये देखिए, तो प्रॉपर ढंग से इसका पूरा कट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये थोड़ा यहाँ पे भी आप देखिए, ये तो प्रॉपर, जितना प्रॉपर होगा उतना फोटोग्राफ हमें अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग हल्का सा प्लस कर लेते हैं। ये देखिए, आपको मैं फोटो को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा मैं ब्रश को छोटा कर लेता हूँ। जो कोष्टक ब्रैकेट का जो हमारे कीबोर्ड पे मार्किंग होता है उससे हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं ब्रश को। सबसे अच्छा है कोष्टक वाला मार्क है हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर होता है, उसको हम एक तरफ से प्लस कर सकते हैं, एक तरफ से इसको छोटा या बड़ा इस ब्रश को हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारे फ़ोटो का सिलेक्शन हो चुका है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, फ़ोटो करेक्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको सिर्फ सिंपली, अब ये जो इसके इस फोटो में जो हेयर हैं वो हेयर ऐसे ही बने रहे। हमारा जब सिलेक्शन पूरा हो जाए तो हमने ये जो लेयर है इसको थोड़ी देर के लिए हमें
हटा देना है, ये यहाँ से हम लोग इसको, ये जो आई का निशान है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हट जाता है। अब हमारे पास में ये लेयर वन पे जो फोटो दिख रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अभी ग्रे दिख रहा है ये पूरा सफ़ेद में परिवर्तित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिफाइन एज, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो रिफाइन एज, ने रिफाइन पर क्लिक कर दिया रिफाइन एज पर, तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमें हमारा फोटो दिखने लग गया है। ये पहली स्थिति, ये सेकंड, अगर हम ये बैकग्राउंड चाहें, अगर हम ब्लैक चाहें तो ब्लैक में भी देखिए आप, ये यहाँ पर आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है और बालों की कटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, और ये ऑन वाइट पे भी आपको प्रॉपर हेयर कट नहीं दिख रहे हैं, और ये एक मास्क टाइप से हो जाता है। और ये जो है हम इसको ले लेते हैं, और अब हम वापस खाली जगह पे मैं इस माउस को ये कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अब मैं ये जो ब्रश दिखाई दे रहा है इसको मैं ले लेता हूँ और हल्का सा मैं यहाँ पर घुमा दूंगा। ये देखिए आप जो बाल कट गए वो आपको वापस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हमको धीरे 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 करके इसका सिलेक्शन कर लेना है। ये ध्यान में रखना है कि हमने जहाँ का सिलेक्शन कर दिया है उसके ऊपर हम दोबारा से नहीं जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सिलेक्शन कर लिया। मैं फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हमने चूँकि यहाँ तक हमने कर लिया था सिलेक्शन, अब इसके आगे हम लोग ये जो हेयर्स हैं इनको भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं वापस। ये देखिए ये आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे हेयर्स आपको दिखने लग गए हैं, ठीक है। इसके आगे और अगर हम चलें तो ये देखिए यहाँ पे भी और भी कुछ हेयर्स वगैरह रह गए हैं, तो ये निकल गए हैं। अगर दाढ़ी पे भी आपको कहीं कुछ लगता है कि हेयर्स वगैरह दिखने चाहिए तो आप इस प्रकार से घुमा दीजिए, देखिए ये हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इधर भी जो, हालांकि ये दाढ़ी छोटी है लेकिन कई की बड़ी दाढ़ी होती है, तो हम लोग हेयर कट को प्रॉपर ढंग से कैसे दिखा सकते हैं, तो इस प्रकार से हमने ये यहाँ से भी इसको इस ब्रश को, ये जो ब्रश दिखाई दे रहा है इसको हमने घुमा दिया है। अब हम मैं समझता हूँ हम लोग यहाँ तक आ गए थे, ये हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो हेयर्स और हैं इनको भी हम लोग वापस हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये इस प्रकार से हम लोग ये हेयर्स बाहर निकाल दिए ये सारे। इस प्रकार से धीरे 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 आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये सारे हेयर्स आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जब हमारा ये प्रोसेस हो जाए, देखिए अब आपको बाल सही दिखाई दे रहे हैं, पूरे कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से जो सिलेक्शन बटन लगा हुआ है यहाँ पर जाकर के हम न्यू लेयर विद लेयर मास्क कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब देखिए ये जो फोटो है हमारा, ये देखिए ये पूरा हेयर कट के साथ में कट हो चुका है। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये पूरा हेयर में आप जितने भी हेयर्स हैं इनके वो हमने काट दिए हैं। अब मैं वापस इस फोटो को इस प्रकार से यहाँ पे ले लेता हूँ और इस लेयर को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं कंट्रोल के साथ में यू दबा देता हूँ, जिससे हम लोग इस बैकग्राउंड को हम लोग सफ़ेद कर देते हैं। देखिए ये इधर ब्लैक हो जाएगा और इधर अगर हम करेंगे तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। थोड़ा हम पूरा प्रॉपर ढंग से इसको ले लेते हैं इसके ऊपर। ये देखिए अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये कट गए हेयर, ये देखिए आप पूरा अपने आप व्हाइट बैकग्राउंड हो गया। अब हम इसको वन लेयर कर देते हैं। अब हमने इसको सिंगल लेयर कर देना है। मैंने एक दो और तीनों को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ में ई दबा दिया है, तब ये हमारी सिंगल लेयर हो चुकी है। और अब हम इसको जैसा भी चाहे वैसा हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, जैसा भी चाहें। अगर हमें पासपोर्ट साइज में लेना है 1.2 और 5 या 6 जैसा भी आप चाहें, तो इसको आप फोटो को थोड़ा सा सेट कर लीजिए इसके बीच में। यहाँ से आप छोटा बड़ा अगर और भी करना चाहें, अगर बड़ा दिख रहा है तो आप इसको इस प्रकार से सेट कर दीजिए, एंटर को दबा दीजिए, तो आपका ये फ़ोटो पासपोर्ट साइज में बन चुका है। ये राइट का निशान हम लोग दबा देते हैं और फाइल के अंदर जाते हैं और हम इसको सेव एज कर देते हैं। 001 मैं इसका नंबर दे देता हूँ और ये फोटो मैंने सेव कर दिए।
तो इस प्रकार से हम लोग हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो बहुत ही जल्दी से बिल्कुल सफ़ेद बैकग्राउंड पे बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बैकग्राउंड को वाइट करना पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और मैंने जो ये चैनल बनाया है, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए बंशीलाल पालीवाल। इसी के साथ आपसे अलविदा करता हूँ। आप सभी का दिन अच्छा हो, शुभ हो, आने वाला कल आज से भी बेहतर हो। गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।